चांदपुर, चांदपुर क्या है? क्या चांदपुर कोई ऐतिहासिक शहर है? जी हाँ, दुनिया भर में फैले एलिगेरियन के लिए चांदपुर एक ऐतिहासिक शहर है। अलीगढ़ के लोगों के लिए चांदपुर की तारीख बहुत अहम है। ये बात उस वक्त की है जब सर सैयद बिजनौर में सरकारी मुलाजिम थे। 1857 की क्रांति पूरे देश में फैल चुकी थी। बिजनौर में भी क्रांति जन्म ले चुकी थी। बिजनौर की क्रांति को सर सैयद अहमद खान ने अपनी किताब सरकशी ए जिला बिजनौर में लिखा है। सर सैयद अहमद खान को ब्रिटिश हुकूमत ने चांदपुर की जागीर दी। सर सैयद जो अपने दिल में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तानियों के लिए बनाने का ख्वाब देख रहे थे, सर सैयद के इस मिशन में जब उन्हें चांदपुर की जागीर मिली तो उन्होंने चांदपुर में यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए जद्दोजहद शुरू की। लेकिन उस वक्त के नवाबों ने उन्हें चांदपुर में यूनिवर्सिटी कायम नहीं करने दी। अपने अधूरे ख्वाब के साथ सर सैयद बिजनौर से मुरादाबाद और वहां से गाजीपुर चले गए। आखिरकार सर सैयद के ख्वाबों की ताबीर अलीगढ़ में पूरी हुई, जहां उन्होंने एक अजीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की। इस यूनिवर्सिटी में पढ़कर लोग दुनिया भर में फैल गए और सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने लगे। इसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर लोग बड़े बड़े अधिकारी बने। मुसलमानों में शऊर पैदा हुआ। चांदपुर विधानसभा में AIMIM के कैंडिडेट यासिर अराफात तुर्क भी इसी मिशन के साथ चांदपुर पहुंचे हैं, जो सर सैयद अहमद खान के अधूरे ख्वाबों को चांदपुर में पूरा करना चाहते हैं। तो ये चांदपुर के मुद्दों को विधानसभा के पलट पर उठाकर चांदपुर को पासमंदगी से बाहर लाएंगे और सर सैयद अहमद खान के मिशन को पूरा करेंगे।